प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एजु हब बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन सदिश। 11th क्लास के अंदर विस्थापन सदिश की बात करेंगे। इसको इंग्लिश कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। देखो क्या होता है, हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे मानो हमारे पास में ये एक्स अक्ष है, माना ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। माना इस एक्स अक्ष में आई कैप एकांक सदिश है, इस तरह जे हो गया, इधर की हो गया। ये आई कैप जे कैप के कैप एकांक सदिश है। हमें विस्थापन सदिश के बारे में अध्ययन करना है, तो हम इसको इस तरह से मान लेते हैं। इस तरह से माना बिंदु हो गया, इस बिंदु को P मान ले, इसको Q मान ले। माना P के निर्देशांक X1, Y1 मान ले, इस निर्देशांक X2, Y2 मान ले। यहां से यहां तक P वेक्टर को हम मान ले R1 वेक्टर, जो क्या लगेगा स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, और ऑक्यू जो कहलाएगा आर टू वैक्टर, ये भी कहलाएगा स्थिति सदिश, और यहां से यहां कहलाएगा डेल्टा आर वैक्टर। ये डायग्राम है, देखो ध्यान से। माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, माना समय टी पर, माना समय टी पर बिंदु पी की स्थिति एक्स वन कोमा वाई वन पर है। माना डेल्टा टी समय के पश्चात, भाई ये तो किस पर कंडीशन है, की टी समय पे है। माना डेल्टा टी समय के पश्चात बिंदु क्यू की स्थिति एक्स टू कोमा वाई टू है। माना कोई कण है जो डेल्टा टी समय, मतलब यहां से यहां जाता है, हम विस्थापन ज्ञात कर लें इसका। आप देखो टी समय पर बिंदु ओपी या ओपी जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा आर वेक्टर, बराबर क्या हो जाएगा आर वन वेक्टर, या तो यहां से आप ओपी वेक्टर का मान निकाल लें। तो ओपी वेक्टर मतलब आर वन वेक्टर, मतलब ये हो जाएगा एक्स वन आई कै प्लस वाई वन जे कैप हो जाएगा। यहां से आप तक की इनकी स्थिति आ जाएगी, पोजिशन आ जाएगी। अभी तो किस पर है, टी समय पर है। तो अब मानो डेल्टा टी समय के पश्चात बिंदु जो यहां पे कर्ण था वो बिंदु के ऊपर पहुंच जाता है, तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी इस समय के बाद में, अब हो जाएगा ये ओ क्यू वेक्टर बराबर आर टू वेक्टर। आर टू वेक्टर अगर मान निकाले, इसके हम पोजीशन निकाले, तो आप देख पा रहे हैं यहां आ जाएगा एक्स टू आई कैप और वाई टू जे कैप, ठीक है। इस तरह से अब हम विस्थापन जो सदिश है, देखो डेल्टा आर वेक्टर की बात करें तो यहां पर त्रिभुज बन रहा है ओ पी क्यू, एक त्रिभुज है, आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ओ पी क्यू। ये तो हम देख लिया कि बिंदु पी का स्थिति सदिश क्या है आर वन वेक्टर है, बिंदु क्यू का क्या है आर टू वेक्टर है, और ये इनमें विस्थापन है डेल्टा आर वेक्टर दोनों के बीच में। तो हम देखो त्रिभुज ओ पी क्यू की बात करें तो त्रिभुज ओ पी क्यू, तो हम इस त्रिभुज में अगर हम त्रिभुज नियम लगाएं, अपन जानते हैं अपने इससे पहले वाले कुछ वीडियो में अपन ने सदिशों के संयोजन के नियम पढ़े थे, और तीन नियम थे। पहला नियम था सदिशों का त्रिभुज नियम, फिर सेकंड था समांतर चतुर्भुज का नियम, थर्ड था बहुभुज का नियम। अपने कुछ नियम पढ़े तो हम यहाँ पे त्रिभुज नियम यूज कर लें, त्रिभुज का नियम। तो देखो इसमें हम त्रिभुज ओपीक्यू में त्रिभुज नियम से, क्योंकि तो हमें निकालना है विस्थापन सदिश, हम इसलिए यहाँ त्रिभुज नियम को काम में ले रहे हैं। तो त्रिभुज ओपीक्यू में त्रिभुज नियम से देखो, तो ये ओपी प्लस पीक्यू मतलब आर वन वेक्टर प्लस
डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई, ये भुजा हो जाएगी परिणामी भुजा। जैसे अपन अपन जैसे इस तरह मान ले, माना ये माना ओ पी क्यू, ऐसे माना त्रिभुज इस तरह से, तो ओपी वेक्टर हमने ले लिया प्लस पी क्यू। अपन जानते हैं कि आर क्या होती है ना कि परिणामी भुजा, तो आर जितना अगर हम इसको ए वेक्टर मान लिया, अगर हमने इसको बी वेक्टर मान लिया, तो भाई आर होती है परिणामी भुजा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। सेम इसी प्रकार से यहां इस त्रिभुज ओपी क्यू में हम त्रिभुज नियम लगा रहे हैं, तो इस नियम से देखो ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर ये हो जाएगी परिणामी भुजा सदिश नियम से, तो बराबर हो जाएगा आर टू वेक्टर। अब यहां से डेल्टा आर वेक्टर का मान निकाल लेंगे, तो डेल्टा आर वेक्टर यहां से भाई इक्वल हो जाएगा कैसे, आर टू वेक्टर माइनस का आर वन वेक्टर। हम इसका परिमाण निकालें, ठीक है। अब देखो यहां आर वन आर टू मान रखते हैं किसके अंदर, यहां डेल्टा आर वेक्टर के जो मान है वो मान हम यहां रखेंगे, दिया जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप और माइनस में ये आ जाएगा r1 का मान रख दो, दिया जाएगा x1 i कैप कोष्ठक 1 प्लस y1 j कैप। अगर हम कोष्ठक खोलें इसको तो ये आ जाएगा डेल्टा r वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। तो हम यहां तक समझ गए, देखो अब इसको हम आगे सॉल्व करें इसको इस तरह से, तो ये आ जाएगा देखो, तो यहां से वो डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर बराबर तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसमें कॉमन क्या आ जाएगा i कैप, भाई आप देख पा रहे i कैप कॉमन है दोनों के, देखो यहां भी और यहां भी, और यहां यहां कॉमन क्या है j कैप है। अब यहां j कैप कॉमन ले हो तो यह आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 भी आ जाएगा j कैप। अब इसका अगर तो यहां डेल्टा r क्या है, विस्थापन सदिश है, डेल्टा क्या कहलाएगा विस्थापन सदिश। इसका हम परिमाण निकालें, डेल्टा आर वेक्टर का परिमाण वही आ जाएगा अंडर रूट में डेल्टा आर बराबर अंडर रूट में और एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर आई के प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इस तरह इसका हम मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था विस्थापन सदिश, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।